এবং কেমন আছে সবাই? আমি চলে এসেছি রূপালীর সঙ্গে আনন্দ। আমরা এসে গেছি সবার জন্য রূপস অ্যান্ড আনন্দ চ্যানেল নিয়ে, একটা নতুন জিনিসের নিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, একটা কথা বলি, আমার অনেক নন বেঙ্গলি বন্ধু আছে যারা সমানে বলছে যে কেন হিন্দিতে ব্লগ করছিস না, তো একটা করে দেখ, আজকে একটু হিন্দিতে কথা বলে দেখি। হিন্দিতে তোমরা বুঝবেই আমার খারাপ হিন্দি, তোমরা তো বুঝেই যাবে যারা বাঙালি। সঙ্গে আমার নন বেঙ্গলি যে ফ্রেন্ডরা আছে অন্য স্টেটে, ওরা আছে, ওরাও তাহলে একটু একটু আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারবে। তো এই ব্লগটা আমি হিন্দিতে করব। ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, মাই আজ এই ব্লগ হিন্দি মে করনে চাহ রহি হু ক্যুঁকি আপ লোগ বহুত দিন সে বোল রহে থে কি আপ লোগো কো সমঝ মে নহীঁ আ রহা হ্যায় কি মাই ক্যা বোল রহি হু। তো আপ লোগো কে লিয়ে স্পেশালি জো লোগ নন বেঙ্গলি হ্যায় উসি লোগো কে লিয়ে আজ এই ব্লগ মে কর রহি হু। পহলে মে মাফি মাঙ্গ লেতি হু ক্যুঁকি মেরা হিন্দি বহুত 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 খারাপ হ্যায় আর জেন্ডার ঠিক নহীঁ রহতা হ্যায় হিন্দি মে, তো প্লিজ মুঝে ট্রোল মত কিজিয়েগা, মুঝে হিন্দি নহীঁ আতি, পহলে হি মে বোল দেতি হু। আচ্ছা, আজ মে যা রহি হু एक ऐसे प्लेस में। ऐसे सोचो, दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया है और पूजा के बाद अगर तुम लोग चाहो कि दुर्गा टा को देखना है तब, और जो लोग स्पेशली कलकत्ते के बाहर रहते हो सारे, अच्छा अच्छा दुर्गा तो उन लोग ने नहीं देखा ना, शायद मेरे कलकत्ते के फ्रेंड्स लोग भी नहीं देखा। तो आज हम लोग चलते हैं दुर्गा म्यूज़ियम, वहाँ पे जितना सारे अच्छा अच्छा दुर्गा ठाकुर होते हैं कलकत्ता में, उसका सारे के सारे दुर्गा ठाकुर वहीं पे रिजर्व है। और अनु तुम कुछ बोलो। हाँ, वहाँ पे जाके देखते हैं। कलकत्ता के जो जितने बड़े बड़े पंडाल होते हैं, जो लोग पूजा करते हैं, तो वहाँ का जो माँ दुर्गा का जो आइडल होते हैं, तो वहाँ पे वो कंजर्व किया है। तो हम लोग जाके देखते हैं कैसे वो प्रिजर्व वहाँ पे कंजर्व किया है, कैसे रखा हुआ है। शायद बहुत सारे लोग ने बोला कि वहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम है, बहुत बड़े अंचल है, तो देखते हैं क्या है। हम लोग को ऐसे पूरा मालूम नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं, चलते हैं। चलिए मेरे साथ। मेरे घर से बहुत ही नजदीक है, मैं लेक के पास से जा रही हूँ, जो नर्मदा सरोवर लेक है, मैं उसी के पास से जा रही हूँ अभी। कलकत्ता रोइंग क्लब के पास होगा शायद ये, थोड़ा देखना होगा, एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं। अनु एग्जैक्टली बाहर से गेट नंबर 3 ही कथा बोलछि, देखिए आगे गेट नंबर 7 है, मैंने आगे भी मांगिए लोग। अच्छा, कलकत्ता रोइंग क्लब के पास से, आई थिंक इट्स नियर गेट नंबर 3। अच्छा, हम लोग बेंगल रोइंग क्लब से राइट में होगा शायद, ठाकुरिया तो इसी तरफ है ना, तो इसी तरफ ही होगा होपफुली। आई मैनेज, यस, नो आई डोंट थिंक दिस इज अ ब्लाइंड जोन। तो रोइंग क्लब के गेट के पास से हम स्ट्रेट जाके लेफ्ट में होगा दुर्गा म्यूजियम, गेट नंबर 3 के पास। हम लोग गलत वक्त पे आ गए हैं, टाइमिंग है सुबह 7 से 10 बजे, फिर शाम इवनिंग को 3:30 to 5:30। तो मेरे घर के पास ही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा घर में वापस जाके लंच कर लूँ और उसके बाद मैं फिर से आ जाऊँ। लेकिन ये प्लेस इतना ज़्यादा सुंदर है, तो थोड़े वक्त थोड़ी देर तक यहाँ पे वक्त मैं बिता लेती हूँ, उसके बाद घर चली जाऊँगी, फिर से आ जाऊँगी। सुंदर है ना प्लेस? मैं और एक बार याद दिला देती हूँ, मेरा हिंदी ख़राब है, लेकिन शायद आप लोगों के, देखिए लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज बस एक दूसरे क्या बोल रहे हैं वो समझने के लिए होता है ना। तो ठीक है, आप लोग अगर समझ रहे हो मेरे बात तो ठीक है। ये लेक भी सुंदर है। कितना सारा माइग्रेटेड बर्ड्स आ गया है,
कलकत्ता जू में भी ऐसे इतना सारा माइग्रेटेड बर्ड, पहले बहुत सारा आते थे, अभी वहाँ पे बहुत कम हो गया है। शत्रागाछी झील में जाते हैं, सुना है मैंने, मैं गई नहीं। और अभी यहाँ पे आके आज मैं देख रही हूँ बहुत सारे माइग्रेटेड बर्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। थोड़ी देर बैठ लेती हूँ, फिर घर वापस जाऊँगी। आफ्टर द लंच फिर से मैं वापस आ जाऊँगी। तब तक के लिए प्लीज साथ रहिए रूप सनानंद चैनल। सुखी भावना कहारे बोले सुखी जातुना कहारे बोले जी बोलो दिवस रजनी ভালোবাসা ভালোবাসা সখী ভালোবাসা কারে কয় শিখি কি বলি যাত নাম শিখি কি বলি চোখের জল শিখি কি বলি লোকে তবে করে কি সুখের তরে এমন দুঃখের আমার চোখে তো সকলি শোভন সকলি কোনখানটায় ছিল? এইখানটাতেই ছিল না, এইখানটাই ছিল। বাহ, এ আমরা কোথায়? বাবা ঝাড়গ্রামটা কি সুন্দর। ফিরছে আগে আর দুর্গা মিউজিয়াম কে পাস আগে। এই দেখিয়ে টেরাকোটা কা হ্যায় পাকোড়া পে গেট দেখিয়ে পুরা টেরাকোটা কা। এ ব্রিক টিলস হ্যায় ইয়ে হাম লোগ কা জো। ওয়াহ নাইস, অলমোস্ট গেট কে পাস হাম লোগ আগে। ওয়াও इट्स रियली नाइस। ओहो सी द गेट, ओ वाओ दिया, गेट के अंदर बहुत बड़ा दो दिया। अब मैं आगे जा रही हूँ, आप सबके लिए प्लीज साथ में रहिए। Wow.
ये कौन सा है, अनु भवानीपुर पचहत्तर पल्ली। आप लोगों ने भी शायद मिस किया होगा, आप देख लीजिए वीडियो में। वुडन बनाया हुआ है, वाओ वाओ। गोल्फ ग्रीन शरद शॉप दिस या वाओ। ये तो थोड़ा देख बोलो वाओ। नौपारा दादा भाई संग बड़ा नगर लास्ट या थोड़ा ठीक से अब देखो, माँ का जो हार है उसके ऊपर ही माँ के संतान है सब। गणेश जी लक्ष्मी यूनिक, इट्स वेरी यूनिक। জামবাজার, জামবাজার সম্মিলিত কালী পুজো সমিতি। দেখিনি স্পালকি मुझे बहुत अच्छा लगा जानबी से शामिल होने, बिकॉज ऑफ वो जो पुराना नॉर्थ कलकत्ता का जो थीम होता था, बहुत पुराना कलकत्ता में जो पलकी थीम पलकी था वही थीम टे लेके आए जानबी से। और अग्रणी तो हर साल बहुत अच्छा पढ़ते हैं अग्रणी। সন্তোষপুর পল্লী 2020। ডিউরিং কোভিড পিরিয়ড আর্টিস্ট কে খো रुक नहीं गया था, तब भी चल रहा था, इतना सुंदर था। ओ वाओ, चौक मेड बाय चौक। ओ इस ईयर बस सिर्फ चौक से बनाया गया ये है। জিতেন্দ্র স্মৃতি সংঘ নাও নেক্সট ফোন। Hello, what are you doing? Oh, my darling.
ये कौन सा वाला है? मेटल का लगते हैं। मेटल लुक एंड आई डोंट सी द नेम ऑफ द क्लब। डिफरेंट नीचे दुर्गा फैमिली है। This is made by metal. Car shop metal like this. Wow. Totally. Dokla, na? Dok. Wow. Totally, the ornaments here, all of this made by Dukha. लाल पड़े हिल भाई हिल नीचे कौन ये बोले लेके चड्डी के ना स्कॉट ফোন করা তুমি সাইনটা করার পরেই ফোন করাই দিছি বল ইউনিয়ন খাতা এই যে নামগুলো এই ছোট জি আপ থোড়া চ্যারিট দিখাইয়ে থোড়া ফোন করো বল বল এটা কি লিখো মাত্র ওকে আমার উপর তো কাম দেখো কিতনা আচ্ছা হ্যায় ओरिजिनल जो टेरा कोटा का जो बहुत पुराना विष्णुपुर स्टाइल का जो मंदिर होता है ना टेंपल जो है विष्णुपुर स्टाइल का टोटली लाइक दैट थीम पूजा जो होता है वही है ये भी बहुत ही सुंदर है मुझे लग रहा है कि ये सब प्लाई का है क्योंकि वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है ये प्लाई का है खुल गया है इसलिए पता चला और इट्स लुक लाइक स्टोन बट स्टोन का नहीं होगा कुछ और वुडन हो सकता है जो भी है बहुत ही सुंदर है शीतला अग्रणी
2017 मैं पैदल में जाके देख के आई थी। कितना सुंदर है देखिए इसका काम। एंड लास्ट वन, और एक लास्ट वन बाकी है। ओ ये ग्लास के अंदर क्यों है, कुछ स्पेशल होगा। वाओ तो बहुत ही सुंदर है। ओह वाओ ग्लास की वजह से ना रिफ्लेक्ट करके ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। शायद मैं जितना हो सके कोशिश कर रही हूँ। अंदर का काम कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। क्लब के नाम भी नहीं लिखा हुआ है। ग्लास के अंदर क्यों है वही तो मालूम नहीं है। कुछ ऐसे कुछ मटेरियल से बनाया होगा जिससे मे बी रेजिन या मोम हो सकते हैं, वैक्स से हो सकता है। इट्स नाइस प्रोटेक्टिव है इसलिए। अरे उपचुन रही हो गया मुझे पूरा म्यूजियम में सबसे अच्छा जो लगा पूरा म्यूजियम में। म्यूजियम में मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो है इसका एटमॉस्फेयर। पूरा लेक के सामने इतना सुंदर बनाया हुआ एक म्यूजियम जहाँ पे एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर प्रतिमा है। और थैंक्स टू अवर सीएम जो इनिशिएटिव करके इतना सुंदर एक म्यूजियम बना दिया। रोइंग हो रहा है जस्ट म्यूजियम के सामने। आज मैं ये वीडियो यहीं पे क्लोज करूँगी। आप लोगों को कैसे लगा ये, मेरे कलकत्ता के फ्रेंड लोगों को कैसे लगा जो जो मिस किया था जिस ईयर में मैं दिखा दिया थोड़ा बहुत। और कलकत्ता के बाहर जो लोग मे बी एक भी नहीं देखा उन लोगों को कैसे लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट।